जिलाधिकारी अयोध्या की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मुस्लिम धर्म गुरुओं की मीटिंग, जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कचहरी परिसर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग रमजान शरीफ को लेकर हुई, जिसमें शिया एवं सुन्नी धर्मगुरु और प्रबंधक मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर काजी मुफ्ती श्री शमसुल कमर अलीमी कादरी, मरकजी जामा मस्जिद टाट शाह कोठा पारचा फैजाबाद ने अपने सुझाव जिला प्रशासन के आगे रखे तथा शासन से नीतियों के अनुसार सहूलियत देने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग चंद्र दर्शन के अनुसार अपने पवित्र रमजान माह की शुरुआत करते हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील की कि वे इस पवित्र माह रमजान में समाज के प्रदेश की एवं देश की भलाई के लिए दुआ करें। इस अवसर पर उन्होंने सभी उपस्थित धर्मगुरुओं से यह अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों से वार्ता कर सुबह की सहरी तथा शाम को प्रतिदिन रोजा इफ्तार अपने घरों पर ही करें। वहीं शहर काजी मुफ्ती जनाब शमसुल कमर अलीमी कादरी जामा मस्जिद ने कहा कि ये रमजान नेकियों का महीना है। इस साल कोरोना वायरस की वजह से ये पाबंदियां हैं, तो घर में रहने की वजह से रोजा रखने में आसानी होगी। वहीं शहर इमाम ने आवाम से ये गुजारिश की है कि नमाज तरावीह अपने घर पर ही अदा करें। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा से गुजारिश की कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए फकत 3-4 लोगों के साथ नमाज पढ़ते रहे हैं, 2-3 लोगों को बढ़ाकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। मौके पर मौलाना मोहम्मद इस्लाम मस्जिद का साबाड़ा, मौलाना गुलाम अली मस्जिद, उमर मकबरा व मरकजी जामा मस्जिद के इंतजामिया के पदाधिकारी श्री रियाल अहमद खान, श्री सैयद सुल्तान अशरफ, श्री जमाल अहमद, श्री कमर राइन, श्री साबिर अली सहित मस्जिद कसाबवाड़ा के सचिव फरीद, मस्जिद उमर मकबरा के सचिव मोहम्मद सईद सिद्दीकी सहित गुलाम नबी सामाजिक कार्यकर्ता व मीडिया प्रभारी मरकजी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत जामा मस्जिद टाटा शाह जाहिद खां वारसी अन्य मरकज के सहयोगी मौजूद रहे। शाहरुख सिद्दीकी के साथ मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट। 25 या 26 अप्रैल से रमजान शरीफ का आगाज हो रहा है, जो माह खैर बरकत है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा महीना और त्योहार का बहुत बड़ा दिन है ये रमजान शरीफ की अय्याम। इसलिए मुसलमान अपने मजहबी एतबार से इस महीने को इंतहाई मोहतरम और मुख्तदर एतबार से जानते हैं और जानना भी चाहिए, इसलिए कि ये हमारे मजहब से साबित है, इस कुरान और सुन्नत से मुस्तनबत है। इस साल लॉकडाउन की वजह से अवामी तौर पर रमजान शरीफ का तमाम नमाज तरावीह और पंजवक्ता नमाजों का जैसा कि जिला प्रशासन की तरफ से रुख है नहीं हो पाएगा। अब तक पंजवक्ता नमाजें और अजान मस्जिदों में हो रही हैं और प्रशासन से बात भी हुई है इस सिलसिले में कि इस पर अमल होता रहे और रमजान शरीफ में भी नमाज तरावीह को ऐसे ही अदा करें जैसे कि पंजवक्ता नमाज में 4-5 अफराद पर मस्जिद में नमाजें हो रही हैं। इससे ज्यादा अफराद मस्जिदों में न बने ताकि गैदरिंग ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट महकमे सेहत के मुताबिक ये बीमारी भीड़ से बढ़ती है। इसलिए तदबीर और एहतियात और दवा और दवा सब जरूरी है, हम लोग इस पर अमल करें। रमजान शरीफ के अय्याम में रोजा रखें और घरों में रहने की वजह से और आसानी हो जाएगी कि रोजा रख सकते हैं। हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दी जा रही है उस पर अमल करें। नमाज तरावीह का मसला मुसलमानों के लिए अहम है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे मुल्क से और दुनिया से खत्म करे ताकि माशरा अपने लाइन पर आए और फिर जिंदगी में रंग भरे और लोग खुशोखबर नजर आए। तरावी के सिलसिले में हमें वैसे ही अमल करना है जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितनी हुकूमत की तरफ से इजाजत है और छूट है उतने लोग नमाज तरावी में रहें, बकिया लोग अपने घरों पर नमाज तरावी अदा करें। हाफिज़े कुरान अगर मैसर है तो हाफिज़े कुरान का इंतखाब करें, जमात से मुमकिन है तो जमात से नमाज तरावी पढ़ें वरना तना तना पढ़ें। अल्लाह ताला हाफिज़ो नासिर हो सबका और मुसलमानों के लिए ये त्यौहार बहुत अहम है। हम रमजान शरीफ की कदर करें, एहतराम करें, शहरी वक्त पर करें, तरावी पढ़ें, जिक्र इस्तार करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला मुल्क में हमारे मुल्क में चैन सुकून पैदा फरमाए और हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाती है हमारे लोग बरादरान वतन और तमामी हजरा
हजरात इस पर अमल करेंगे और इसी में हमारे लिए भलाई है, इज्जत नफ्स जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।